हेलो एवरीवन, आज बनाने वाली हूँ चना दाल फ्राई। अक्सर जब चना दाल बनाते हैं तो चना दाल बहुत ज़्यादा गल जाती है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इस तरीके से चना दाल बनाएंगे तो आपकी चना दाल बहुत ही परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले एक बोल में एक कप चना दाल ले लेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून मूंग दाल ऐड करेंगे। आप इसकी जगह लाल मसूर की दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चना दाल को पकने में समय लगता है, मूंग दाल जल्दी पक जाता है, जिससे जो हमारी दाल बनेगी उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इस दाल को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि अगर इसमें थोड़ा भी डस्ट वगैरह हो तो अच्छे से साफ़ हो जाए। अब इस दाल को साफ़ पानी में आधे से 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। इससे क्या होगा, दाल अच्छे से फूल जाती है और इसे पकने में कम समय लगता है। आप कोई भी दाल बनाएं, अगर उसे आप भिगो कर रख देते हैं तो उसे पकने में कम समय लगता है, जिससे आपकी गैस ही बचती है। इस दाल को भीगे हुए लगभग 40 मिनट हो गए। अब इस दाल को कुकर में डाल देंगे। जिस पानी में इसे हमने भिगोया था उस पानी के साथ ही इस कुकर में डाल देंगे। जब दाल को भिगोइएगा तो साफ पानी में भिगोइएगा। इसमें पानी थोड़ा कम है इसलिए मैं इसमें 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच देगी मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा दाल का, और 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे और अब इसे 3 सीटी आने तक पकने देंगे। 3 सीटी आने के बाद जब प्रेशर पूरी तरह से निकल जाए उसके बाद ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए, दाल अच्छे से पक गई है और जो हमने मूंग दाल डाली थी वो अच्छे से गल गई है, और मूंग दाल की वजह से जो हमारी दाल काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब इस दाल के लिए तड़का बना लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 इंच अदरक, 4 लहसुन और 3 हरी मिर्च ले लेंगे, और इन सभी को बारीक कट कर लेना है। इसके बाद पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें 3 लौंग, 1 इलायची, आप इसकी जगह 2 हरी इलायची भी ले सकते हैं, 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे और चुटकी भर हींग डाल देंगे। दाल हाई प्रोटीन होता है तो हींग पचाने में मदद करता है। इन सभी को कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए लहसुन डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन और स्मेल है वो चली जाए। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब इस प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक इस प्याज कलर लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अगर प्याज को जल्दी लाल करना है तो इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाइएगा। जब प्याज कलर हल्का चेंज हो जाएगा तब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन को बारीक कट करने के बजाय इनके पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन्हें 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। अब इन टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो टमाटर के बाद तुरंत नमक ऐड कर दें, जिससे टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएंगे। टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इस मिक्सचर को ढक कर पकाएंगे ताकि जो टमाटर है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए। टमाटर अच्छे से गल गए, अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब जो दाल हमने पका कर रखा था उसे इसमें डाल देंगे और इसे तड़के के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं दाल कितनी गाढ़ी बनी है, और यह दाल जैसे जैसे ठंडी होती जाती है यह और गाढ़ी होती जाती है। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो दाल और तड़का वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसी के साथ चना दाल फ्राई बिल्कुल रेडी है। लास्ट में इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। इस दाल को आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं राइस और रोटी के साथ। यह टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है, और दाल तो हाई प्रोटीन है, यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।